वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोमडिला। अभी बोमडिला में समय कुछ 8 बज रहा होगा और यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं। आग भी अच्छा से नहीं खो रहा यार। कल का राइड पूरा 550 किलोमीटर का था और सुबह से राइड कर रहे कर रहे, यहाँ पहुँचते पहुँचते इवन बहुत रात हो गया। मतलब काम का ढलने नहीं सका उससे ज़रा, वहाँ से यहाँ आने पहुँचने वाला। वैसे भी ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं था, ओनली 60 किलोमीटर था, लेकिन बोमडिला बहुत सुंदर लगा। खास कर यहाँ से बोमडिला से डायरेक्ट तवांग होगा जो कि अराउंड 200 ऐसा कुछ होगा। तो चलो मिलते हैं आपको डायरेक्ट राइड पे। सो आपको हम अपना होटल तो दिखाने भूले गए, अब दिखाते हैं। ये है बालकनी, यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है। उसके बाद होटल का प्राइस वैसे रिजनेबल था, हम लोग 4 आदमी सब एक ही रूम में घुस गए। तो ये है हम लोग का रूम 108, और रूम का टूर कुछ ऐसे है। यहाँ एक बिस्तर, एक चेयर, एक टेबल, टीवी दिया पर टीवी में रिचार्ज नहीं था। एंड दिस इज़ द मिरर, और बाथरूम ऐसे कुछ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक गीज़र है वही काफ़ी है। तो चलो ये था सब कुछ, आपको राइट में मिलते हैं। तो अभी मेरा हेलमेट में गोप्रो माउंट का ये एक एक्सरसाइज टूट गया, तो अभी हमको आगे लगा के करना पड़ेगा सब कुछ। माइक भी नहीं पहुँच रहा है तो एयरफोन को यूज़ करके कर रहे हैं, एयरफोन को काट के यूज़ कर रहे हैं। और अभी दे रहा हूँ पहुँचने में थोड़ा से मिनट है, 6 किलोमीटर ऐसा कुछ बता रहा था रास्ता में। अभी देरांग से निकल के यहाँ में कुछ ही किलोमीटर में यहाँ एक होटल मिलता है, यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था। तो यहाँ का नज़ारा ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही आप देख सकते हैं। आगे चल के मिलेगा नज़ारा तो, लेकिन रास्ता कंडीशन तो एकदम ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद होटल का नाम है LP होटल, और यहाँ मेरा तो हो गया, उसे 2 लोगों का भी हो गया अभी ऑलमोस्ट। पूरा बैकबोन दर्द दे रहा है। ना मरो मैं लंबा लंबा नू, तुम थोड़ा गंदा हो गए, दे जाके नहा लो। अभी अभी एक आदमी को मिला था, कहाँ है वो, केरला से साइकिलिंग करके यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब तावांग जा रहे हैं। और उसके लिए उसका तो रहेगा अभी अराउंड 500 किलोमीटर जैसा रहेगा उसका। और पूछ रहा था कि तावांग तो आज तो नहीं पहुँचेगा बोर्ड, आधा में स्टे करेगा बोर्ड पर। और जहाँ तक हम लोग का बात है, हम लोग का यहाँ से सेला पास अराउंड 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, तो वहाँ एक बस स्टॉप लेगा, फ़ोटो वोटो खिंचाना यार वेलकम टू तावांग गेट में। अभी फाइनली द गेट ऑफ तावांग पहुंच गए। वाओ यहाँ से नज़ारा कुछ
बहुत सुंदर, अति सुंदर, एकदम सुंदर लग रहा है रे। गेट वैसे वो लेफ्ट साइड में ही है, वो वेलकम टू टोंग वाला गेट। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, वहाँ में है द गेट वे ऑफ टोंग, और ये जगह था एकदम क्या बोलेगा, लद्दाख कश्मीर तो कभी नहीं गए तो बोल भी नहीं सकते, वो लग से कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन इट फील्स ऑसम मैन, एकदम बढ़िया यार। आप लोग भी आके कभी दिन देखो, एकदम मज़ा लगेगा। बस थोड़ा पीठी और गांड का थोड़ा संभल गया ना, वो थोड़ा उसमें थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम देते हैं, मेरा बिग बोन तो वैसे भी बहुत दर्द दे रहा है। ब्यूटीफुल पीस ऑफ नेचर, वो ऊपर में जाना पड़ेगा, अच्छा लगना था वहाँ जाना। हेलो बस सब मस्त मगन, अच्छा चल रहे, बस बैक बोन को लेके बहुत दर्द दे रहे, पूरा ठंडा ठंडा। सो दिस इज़ द गेट ऑफ तवांग, अभी पहुँच चुका है तवांग, पहुँच चुका है, यहाँ से अराउंड होगा लेकिन भी 50-60 किलोमीटर होगा, और अपने धन्नू भी पहुँच गए, सच में ऑसम है यार। और ऊपर से दिखाएगा आपको वेलकम टू सेला, 13,700 फीट ऊपर है, मतलब 13,700 फीट ऊपर, थोड़ा सा चढ़ गया तो थक गया रहे। वाओ, ऊपर से भी बहुत बढ़िया नज़ारा होगा शायद। थोड़ा में साफ सुन गिरे, यहाँ से कुछ ऐसा है, वाओ वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये सेला पास का गेट, और ये हम तो चलो अभी निकलना है, निकलेगा ऐसे सांस फूल के। ओके तब तो आपको डायरेक्ट बाइक में मिलता है, बाय। तो इधर जंग में एक वाटरफॉल दिखा दिया अभी रास्ता में, लेकिन तवांग का रास्ता इधर से नहीं है, ये तो वाटरफॉल का रास्ता है, तो वाटरफॉल ही देखने जा रहे हैं हम लोग। और ये जंग, जंग थोड़ा सा थोड़ा पार करके मिल जाता है।